पीएम विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूरे होने पर किए गए कई कार्यक्रम। पीएम विश्वकर्मा योजना की एक वर्ष पूर्ण होने पर वर्धा महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गणमान्य उपस्थिति में हो रहे रंगारंग कार्यक्रम एवं समारोह के सीधे प्रसारण हेतु कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या के सभागार में संपन्न कराया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में 25 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र एवं 5 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में लाइव स्ट्रीम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन मार्गदर्शन प्रदान किया तथा उप मुख्यमंत्री ने समस्त लाभार्थियों एवं उपस्थित जनमानस को वर्तमान सरकार की लाभपूरक योजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए सतत परिश्रम की प्रेरणा दी। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विगत एक वर्ष में आईटीआई अयोध्या में 1614 लोगों को कुल 9 सेमेस्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या प्रधानाचार्य आईटीआई मयंक मणि शुक्ला, संयुक्त निदेशक आर के मिश्रा, प्रधानाचार्य सोहावल धनंजय त्रिपाठी, सहायक निदेशक RDFDE शुभम शंकर, कौशल विकास एवं समस्त आईटीआई स्टाफ महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि और विनोबा भावे जी की तपोभूमि से एक बड़ा कार्यक्रम, एक वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें यहाँ पर भी बहुत सारे लाभार्थियों को चेक भी दिया गया, प्रमाणपत्र भी दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी वहाँ पर दिया है। योजना विशेष तौर से 6 वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, जाति वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और महापुरुष जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए, पंजीयन करा करके प्रशिक्षण लेना चाहिए और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो भ्रष्टाचार करेगा, बढ़ेगी कुछ की अभी बढ़ी है कुछ की बात अखिलेश यादव ने फिर सारे संतों को लेकर बड़ा हमला, वो जब संतों का अपमान करते हैं तो वो एक संत का नहीं होता, वो एक एक संत का होता है, उनके समाज का अपमान होता है। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे को बयान देते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ये समाप्तवादी पार्टी बनने का कारण बन रहे हैं। चुनाव भी है 10 सीटों पर, क्या कहेंगे? चुनाव की तैयारी जबरदस्त है, जो कमियाँ रह गई थी लोकसभा के चुनाव में उनको दूर करने का प्रयास है। अधिकतर सीटें आप अयोध्या में थे, हनुमान गढ़ी का लखनऊ और सोचा तेरा मंदिर अब जी आई टाइम मिलने वाला है, कैसे उसी की बात है। अयोध्या हर मुश्किल से पूरे संसार में भाग और अयोध्या में सब कुछ बात होना चाहिए, जी आई टाइम मिलना चाहिए, जो भी जरूरत हुआ सब देना। जो भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है, इसका एक वर्ष पूरा होने की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। इसका जो मेन कार्यक्रम था वर्धा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम संपादित हो रहा था, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारे प्रदेश के 6 जिले जुड़े हुए थे, उसमें एक अयोध्या भी था, जिसके अयोध्या में मुख्य अतिथि हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे और साथ में यहाँ के विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। देखिए, मैसेज जो इस योजना का क्लियर था कि हमारा जो विश्वकर्मा समाज कई पीढ़ियों से समाज की सेवा करता आ रहा है, उसके विषय में उसको कैसे आगे मुख्य विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये योजना उसी का एक रूप है। इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो विश्वकर्मा काम जो काम करते हैं करीब 18 सेक्टरों में, जैसे दर्जी है, नाई है, कुहार है, मछुआरे हैं, इस तरीके मोची हैं, इस तरीके की जो 19 विश्वकर्मा हैं जो अपने ट्रेडों में काम कर रहे हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको सही मार्केटिंग की जानकारी देने के लिए, उनको सही तकनीक की समय लेटेस्ट तकनीक क्या है, क्योंकि वो तकनीक में बहुत पिछड़ चुके हैं, इसलिए उनका बिजनेस भी उतना ग्रो नहीं किया,
तो सरकार की इस योजना के द्वारा उनको नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको उसके लिए 500 रुपये पर डे उनको मानदेय भी दिया जाता है, इसके बाद 15,000 टूल किट के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा वो अपने बिजनेस को और कैसे ग्रो करें और बढ़ाना है उसके लिए 3,00,000 रुपये तक का बिना गारंटी के लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है सर। तो साहन ये है कि ये हमारी समाज की रीढ़ है, अगर ये आगे जाएंगे तो हमारी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और समाज में एक नई क्रांति आएगी इससे। मयंक शुक्ला, प्रिंसिपल आईटीआई।